2011 इंग्लैंड में सफाया, साल 2012 ऑस्ट्रेलिया में आत्मसमर्पण, साल 2013 दक्षिण अफ्रीका में फूला दम और अब साल 2014 में न्यूजीलैंड में मिली हार। Looking to play the hook shot. पिछले चार विदेशी दौरों पर यह है टीम इंडिया का हाल, जीत कोई नहीं बस हार ही हार लगातार। तेज गेंदबाजी के लिए गण माने जाने वाले देशों में टीम इंडिया को पिछले 2.5 सालों में एक भी जीत नहीं मिली। विदेश में खेले पिछले 11 टेस्ट मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीता तो कोई भी टेस्ट नहीं, जबकि 10 शिकस्त मिली और एक मुकाबला बड़ी मुश्किल से ड्रॉ हुआ है। घर के शेर विदेश में ढेर, असली क्रिकेट में दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड की टीम विदेश में लगातार ढेर हो रही है। शिकस्त का दौर इतना लंबा हो गया है जब तो लगता है कि कहीं टीम इंडिया जीतना ही तो नहीं भूल गई। कई बार मजबूत परिस्थिति में पहुंचकर मुकाबले में हार जाना तो यही दास्तां बयां कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ जब टीम इंडिया जीतते जीतते हार गई, वो भी टेस्ट रैंकिंग में 8वें पायदान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ। टीम इंडिया ने विदेश में हार का शतक भी लगा दिया है। विदेश में खेले 233 टेस्ट में भारतीय टीम को सिर्फ 37 जीत मिली है, जबकि 100 करारी शिकस्त। लेकिन चिंता का सबब यह है कि पिछले 2.5 सालों में टीम ने विदेशी जमी पर जीत का मुंह तक नहीं देखा। अब हालत यह है कि भारतीय टीम अगले टेस्ट में भी नहीं जीत पाई तो एक और सीरीज तो विदेश में जाएगी, साथ ही टेस्ट रैंकिंग में भी टीम दूसरे से तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। हार का सिलसिला कब और कैसे थमेगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद एक बार फिर टीम इंडिया को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही दौरा करना है, जहां पिछली बार करारा व्हाइट वॉश ढेलना पड़ा था। ऋतुराज यादव, पोस्ट डेस्क, सादा न्यूज़।